上门。नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और गुजरात चुनाव के रुझानों में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। हिमाचल चुनाव के रुझानों में बहुमत के पार कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और मजबूती के साथ इस बढ़त को बरकरार रखे हुए है। तो इस बीच बड़ी जानकारी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ बहुमत के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी क्योंकि बदलाव की बयार इस बार नजर आई है और हमेशा से हिमाचल के अंदर और पहाड़ की राजनीति कुछ यही संकेत देती रही है। परिवर्तन का हमेशा से दौर वहां पर रहा है। एक बार के बाद दूसरी बार परिवर्तन वहां पर देखा गया और भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीद लगा करके बैठी थी, जैसा इस बार उत्तराखंड में देखा गया। शायद ऐसा हिमाचल में भी हो सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मुकाबले के अंदर इसको त्रिकोणीय बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से कोशिश की, लेकिन फिलहाल उसके जो रुझानों के मुताबिक अभी तक नतीजे सामने आ रहे हैं वो कुछ अलग हैं। और इसमें अभी तक हिमाचल से आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता भी नहीं खोल पाई है। डबल शून्य अभी तक नजर आ रहे हैं। और गुजरात में सत्ता में आने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अभी सिर्फ 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये लगातार आपको टैली के जरिए भी आपको गुजरात और हिमाचल के जो परिणाम हैं और उसके जो फिलहाल रुझान नजर आ रहे हैं उसकी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा ये टैली के जरिए आप देख रहे हैं और साथ ही साथ आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि कैसे गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जीत का जश्न होना भी लाजमी है, जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए इस वक्त कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। हिमाचल चुनाव के रुझानों से कांग्रेस पार्टी बेहद गदगद है, खुश है। हिमाचल प्रदेश जाएंगे सीएम अगेन और हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और ऐसे में हिमाचल के अंदर एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इसके लिए बाकायदा हिमाचल जाएंगे भूपेश बघेल। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जो घोषणाएं की गई थी छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने के लिए और खास करके लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में जो वादे करके सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई थी, कुछ ऐसे ही वादों को लेकर के हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे और बाकायदा सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भूपेश बघेल की एक बड़ी छवि राम वहां पर रही। अलग अलग कैंपेन में वो पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके कार्यकर्ताओं के साथ वो जुटे रहे, लोगों तक मैसेज पहुंचाते रहे, परिवर्तन की दिशा में एक संदेश देते रहे, जिसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश जाएंगे, इसको लेकर के बड़ी अपडेट फिलहाल मिल रही है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर उनको चुना गया था और बकायदा जो जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई थी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। और कई ऐसी चीजें थी जो कि संगठन के भीतर बदलाव के तौर पर कार्यकर्ताओं में स्वीकार्य भी की और इन परिवर्तनों के जरिए ही आज जो सत्ता की तरफ आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और हिमाचल में जो सूखा था उस सूखे को खत्म करने के लिए जो जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई थी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उसमें सफलता कहीं ना कहीं उनको मिलती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए जानकारी मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान भी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों के जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। मैं हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गुजरात और हिमाचल में वोटों की काउंटिंग जारी है और बीजेपी बढ़त बनाते हुए लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन परिणामों को देश का स्वर्णिम अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी के गुड गवर्नेंस और विकास को समर्थन दिया है। आगामी चुनावों में भी यही रुझान मध्य प्रदेश की सरजमी पर देखने को मिलेंगे।
गुजरात के परिणाम जो आज आ रहे हैं, ये इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है राजनीति का। पूरे भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इतना रिकॉर्ड जीत मुझे नहीं लगता है कि किसी दल की हुई होगी। ये जनता का भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। मोदी जी के गुड गवर्नेंस और विकास को जनता ने समर्थन दिया है गुजरात के अंदर, और हिमाचल के अंदर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से लेकर के सभी लोगों की जो भूमिका है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्लस माइनस के साथ हम आते आते हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और आगामी समय में 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर भी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात चुनाव के आ रहे नतीजों पर खुशी जताई और कहा कि जनता ने गुजरात में विकास को चुना है। तो गुजरात में स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जो लगातार गुजरात में प्रचार प्रसार करते हुए नजर भी आए थे, दावा भी कर रहे थे कि गुजरात में बीजेपी जरूर जीतेगी। सर, आप भी हमने देखा था लगातार पहुंचे थे, प्रचार प्रसार गुजरात में कर रहे थे, स्थितियां तो स्पष्ट हो चुकी है, 182 सीटों के रुझान में 158 पर बीजेपी आ। मैंने दो तिहाई कहा था, तीन चौथाई हो गया। माननीय मोदी जी के आभा मंडल के अंदर पूरा देश प्रकाशित हो रहा है। लोग मोदी जी के अंदर भारत का स्वाभिमान देखते हैं, लोग मोदी जी के अंदर गुजरात का सम्मान देखते हैं, लोग मोदी जी के अंदर, माननीय मोदी जी के अंदर वैश्विक नेतृत्व देखते हैं। माननीय मोदी जी का मतलब 370 की समाप्ति, माननीय मोदी जी का मंदिर 35A की समाप्ति, माननीय मोदी जी का मतलब राम मंदिर का निर्माण, माननीय मोदी जी का मतलब काशी कॉरिडोर का निर्माण, माननीय मोदी जी का मतलब महाकाल लोक का निर्माण, माननीय मोदी जी का मतलब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण की शुरुआत। मोदी जी अगर देश के अंदर राम मंदिर बनाते हैं तो IIT, IIM और एम्स भी बनवाते हैं। माननीय मोदी जी अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों को निःशुल्क में अनाज, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी देते हैं। माननीय मोदी जी अगर ताली और थाली बजवाते हैं, मोमबत्ती जलवाते हैं तो 18,000 गांव में निःशुल्क लाइट भी भिजवाते हैं। माननीय मोदी जी अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। माननीय मोदी जी CAA लेके आते हैं तो रोहिंग्याओं को भी हटाने की पहल करते हैं। माननीय मोदी जी मतलब वैश्विक नेतृत्व, माननीय मोदी जी मतलब दुश्मन की आंखों में आंखें डालने वाला व्यक्ति। इतनी सारी खूबियों के साथ जब कोई व्यक्ति को और उसका व्यक्तित्व निखरता है तो तीन चौथाई ही आता है। एंटी इनकम्पेंसी की बात हो रही थी सर, पिछले हो रही है प्रो, पिछले चुनाव में कांग्रेस की 77 सीटें थी, अब 15 पर आ गई। प्रो कन्वेंसी हो रही है हुजूर, जो सड़क पे पदयात्रा कर रहे हैं उनकी पार्टी सड़क पे आ गई पूरी की पूरी। दिल्ली में 2 सीटें नहीं आ पाई, गुजरात में 77 कांग्रेस वाली 17 पे झूल रही है, 17 पे। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे, उनका भी बड़ा दावा हो रहा था अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा था कि दावे सब खोखले हैं। सर, जो 300 यूनिट बिजली फ्री और जो फ्री की जो स्कीम थी, इसको गुजरात की जनता ने नकार दिया। बिल्कुल, गुजरात क्या हिमाचल की में नकार दिया, अब यहाँ अब देश में नहीं चलने वाली ये फ्री की राजनीति। चलिए, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले से ही इस बात का दावा कर रहे थे कि गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और वही होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज 8 भोपाल।